दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज और टूल्स जो आपकी काम को आसान तो करेगा ही, साथ में आपकी नॉलेज को भी काफी हद तक इम्प्रूव करेगा। क्वाल्डवा एक तरह का केमिकल है जिसका यूज कंक्रीट की दीवार में होल करके उस होल में बोल्ट को टाइट करने के लिए किया जाता है। इस केमिकल को एक बार डाल देने के बाद जब बोल्ट को टाइट किया जाता है तो होल के अंदर इस केमिकल का बाहरी कवर टूट जाता है और अंदर का केमिकल किसी मजबूत कंक्रीट की तरह बोल्ट के साथ पकड़ बना लेता है, जिसके बाद बोल्ट और कंक्रीट का पकड़ मानो किसी कच्ची कंक्रीट में ही बोल्ट को ढाला गया हो। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक बार में कितने ईंट को उठा सकते हैं तो आपका जवाब होगा 3 या फिर 4, लेकिन इस टूल की हेल्प से आप सिर्फ अपनी एक हाथ से एक बार में 6 ईंट को एक साथ आसानी से उठा सकते हैं। इस टूल से आप बहुत ही कम समय में ईंट को उठा सकते हैं और ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। दोस्तों ये एक ऐसा बुलडोजर है जो एक साथ कई बोरियों में मिट्टी भर देता है। मिट्टी पूरी तरह भर जाने के बाद ये बुलडोजर खुद ही बोरिया की मुंह बांध देता है। दोस्तों इस अजीब सी दिखने वाली मशीन को देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये मशीन कर क्या रहा है। दरअसल ये मशीन एक रोड रोलर की तरह काम करता है जिसका यूज सड़क की कच्ची मिट्टियों को दबाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस मशीन की रोलर का ये अजीब आकार मिट्टियों को ज्यादा प्रेशर से दबाने का काम करता है, जिससे कच्ची रोड की मिट्टियों को जल्दी दबाकर तैयार किया जाए। रोड के साइड में पानी की निकास के लिए नाली बनाई जाती है, जिसे अगर हाथों से बनाया जाए तो काफी समय और मेहनत लग सकता है, लेकिन ये मशीन उसी काम को काफी हद तक आसान बना देता है। इस रोलर के साइड में एक इंजन लगा होता है जो इस रोलर को नचाता है और रोलर पीछे की मटेरियल को आगे की तरफ धकेल कर देता है, जिसके साथ साथ फिनिशिंग भी हो जाता है। ये रोलर कई अलग अलग आकार में आता है, जिससे बड़ी नल बनाने से लेकर इसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में भी होता है। दोस्तों आपने सड़कों पर इस तरह के ब्लॉक्स को बिछाए हुए जरूर देखे होंगे। इसे सड़कों पर हाथों से लगाते वक्त काफी समय और लेबर कॉस्ट लगता है, लेकिन यही काम जब लार्ज स्केल पर होता है तो वहाँ पर इस मशीन का यूज किया जाता है, जिससे घंटों का काम लगभग मिनटों में हो जाते हैं। ये मशीन ब्रिक्स की पूरी बैच को एक साथ उठाकर सटीकता से सही पोजिशन पर रख देते हैं, जिससे काफी ज्यादा समय का बचत होता है। इन ब्रिक्स को लगा देने के बाद साइड की गैप्स को भरने के लिए हमें ब्रिक्स की आधे टुकड़े की जरूरत होती है। अब ऐसे में ब्रिक्स को हथौड़े से तोड़ने पर ब्रिक्स कहां से टूटेगा कुछ पता नहीं होता है। इसी काम को करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है, जिससे बहुत ही सटीकता से हम अपनी साइज के अकॉर्डिंग ब्रिक्स को तोड़ सकते हैं और गैप्स को अच्छी तरह से भर सकते हैं। दोस्तों दीवार को जोड़ते वक्त जब मटेरियल दीवार पर डाला जाता है तो कुछ मटेरियल नीचे गिर जाते हैं जो बाद में जाकर वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन इस टूल से बहुत ही फास्टली और आसानी से सीमेंट लगा सकते हैं और सीमेंट थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होता है। दोस्तों जब रोड कहीं कहीं पर टूट जाता है या फिर पुराना हो जाता है तो हमें उसका फिर से रिपेयर करना पड़ता है। ऐसे में हमें सबसे पहले पुराने रोड को तोड़ना पड़ता है, जिसके लिए इस ताकतवर मशीन का यूज किया जाता है। ये मशीन एक हथौड़े की तरह काम करता है जो रोड की सतह पर मार मार कर रोड को तोड़ देता है, जिसके बाद इस मशीन का यूज किया जाता है जो रोड की सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इस मशीन में कई छोटे हथौड़े की तरह औजार लगे होते हैं जो रोड पर लगातार चोट देते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा घरों में या फिर रोड पर कंक्रीट से बनी हुई सरफेस कहीं कहीं पर नीचे धंसी हुई होती है, जिसे रिपेयर करने के लिए या तो हम सरफेस को तोड़कर फिर से रिपेयर करते हैं या फिर इस तरीके को यूज करते हैं, जिसमें ग्राउंड की सरफेस में ड्रिल से एक छेद करके उसमें एक केमिकल को भरा जाता है, जिसकी प्रेशर से ग्राउंड की सरफेस ऊपर उठ जाते हैं। इस तकनीक से हम बड़े से बड़े सरफेस को भी आसानी से उठा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये केमिकल आखिर कब तक टिकेगा, तो आपको बता दूं कि ये केमिकल सरफेस के अंदर जाते ही कंक्रीट की तरह जम जाता है, जो लाइफ टाइम के लिए मजबूत होता है। दोस्तों आपने इतना मजबूत सीमेंट आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। इस सीमेंट का यूज ईंटों की चुनाई के वक्त किया जाता है। इस सीमेंट की मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस सीमेंट से ब्रिक्स को चिपकाने के बाद भी ब्रिक्स बिना किसी चीज के सहारे कंक्रीट की प्लेट से चिपका हुआ है। और हैरानी की बात तो तब होती है जब इस सीमेंट की मजबूती को चेक करने के लिए एक व्यक्ति इन चिपके हुए ईंट पर खड़ा हो जाता है और ईंट बिल्कुल भी नहीं हिलता है। दोस्तों आपने सड़कों पर इस तरह के ब्रिक्स के डिजाइन जरूर देखे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि इन ब्रिक्स को मैन्युअली हाथों से लगाया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये एक रोलर का कमाल है। ये जो आप रोलर देख रहे हैं इसका नाम स्टैम्प रोलर है, जिस पर ब्रिक्स की खांचे बने होते हैं और जब कोई कंक्रीट का फर्ज कंप्लीट हो जाता है तो सिंपली उस फर्ज पर ये रोलर चला देते हैं और फर्ज पर ब्रिक्स की तरह डिजाइन बन जाते हैं, जो दिखने में बहुत ही आकर्षक लगता है।
दोस्तों आपने कहीं ना कहीं पर दीवार पर इस तरह के डिजाइन जरूर देखे होंगे जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और आपको लग रहा होगा कि ये हाथों से बनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है। जी हाँ, दरअसल दीवारों पर ये फूल इस रोलर के माध्यम से बनाई जाती है। इस रोलर के ऊपर फूल का डिजाइन बना होता है जो कई अलग अलग डिजाइन के साथ आते हैं, और जब रोलर को पेंट में भिगोकर दीवार पर लगाया जाता है तो दीवार पर बहुत ही खूबसूरत फूल का डिजाइन बन जाता है। अक्सर घरों में टाइल्स को लगाते वक्त पहले हम सीमेंट को फर्श पर लगाते हैं, उसके बाद हम ऊपर से टाइल्स को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन इसी काम को अगर हम उल्टा करें, यानी कि सीमेंट को पहले फर्श पर लगाने की बजाय टाइल्स पर लगाकर इंस्टॉल करें, तो ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत होगा। अब कुछ दिक्कतों के चलते कारीगर टाइल्स पर सीमेंट लगाने की बजाय फर्श पर ही लगा देते हैं, लेकिन इस टूल के सहारे हम इस मुश्किल काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस टूल में सीमेंट डालने के बाद नीचे से हम टाइल्स में सीमेंट आसानी से लगा सकते हैं और सीमेंट थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, जब भी हम पिलर को गोल आकार का डिजाइन देते हैं तो तब इस टूल का यूज किया जाता है, जिसे यूज करने के लिए पिलर के चारों तरफ लगाने के बाद फ्रेम को लॉक कर दिया जाता है, और निर्माण के बाद जब खोला जाता है तो पिलर का शेप फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका होता है। तो दोस्तों, ये रहा कुछ अमेजिंग कंस्ट्रक्शन टूल्स और मशीन्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एडवेंचर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।